Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Gauri Faseen. So basically, आज बहुत time बाद I am doing a video related to 10th grade tips, studies, anything related to study. And मेरा गला थोड़ा सा off है तो उसे excuse करना. And I'm trying to keep this video as short as possible. Also, before we move forward, I just want to tell you that I scored 78% in my 10th grade. So basically, in my second term, I scored 80%. And I'll tell you why I am here to give you tips, because you'll obviously wonder like 78% आया है, इसको ये क्यों tips दे रही है? It is because मैं 80% जब लाई थी ना second term में, it was last का पढ़ाई, which means it was a month भी नहीं हुआ होगा उतना पहले. ये सीन हुआ था एंड लास्ट में मैंने पढ़ाई करके एग्जाम दिया था और मैं 80% लेके आई हूँ सेकेंड टर्म में. और फर्स्ट टर्म में मेरे 60% आए थे तो एवरेज निकाल के वी गॉट 78%. मेरा फर्स्ट टर्म में मेरे कम परसेंटेज क्यों आए वॉज बिकॉज ऑफ माई बैड मेंटल हेल्थ. आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्टफ मेंटली एंड वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम बन गया था, इसलिए मैं अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाई. ये सीन था. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. आई हैव 10 टिप्स फॉर यू गाइज विच विल हेल्प यू एस योर 10th ग्रेड एग्जाम्स एंड आई एम इन 11th ग्रेड राइट. तो आई ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज पॉसिबल बट मेरी बोलने की आदत है तो एक्सक्यूज दैट. फर्स्ट टिप, स्टडी ओनली व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. ये लास्ट मिनट टिप्स है गाइज, मोस्टली लास्ट मिनट टिप्स है. बट जब मैं पढ़ती हूँ ना आई ओनली स्टडी व्हाट्स इम्पॉर्टेंट. हिस्ट्री इज माई फेवरेट सब्जेक्ट बहुत टाइम से एंड मैं उसमें से सिर्फ वो पढ़ूंगी जो मुझे पता है कि मैं खींच सकती हूँ. मुझे पता है कि अगर गांधी का सॉल्ट मार्च आ रहा है मैं वो खींच के लिख सकती हूँ. सेकेंड पॉइंट, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैव हेल्प्ड मी एस माई एग्जाम इन सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म मेरा था क्या कहते हैं वो यू नो टिक मार्क वाले क्या बोलते हैं उन्हें शिट मैं भूल गई, जो भी उन्हें बोलते हैं आप कमेंट कर दो क्योंकि मैं भूल गई. एंड आई बेट कि जब मैं ये वीडियो एडिट करके पोस्ट करूंगी तभी मेरे को नहीं याद रहेगा, तो प्लीज कमेंट डाउन क्या बोलते हैं उन्हें बिकॉज आई एक्चुअली फॉरगॉट. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आर द मोस्ट हेल्पफुल थिंग इन दिस होल वर्ल्ड. साइंस में केमिस्ट्री मेरा ठीक था, फिजिक्स में लग चुके थे मेरे लिटरली. बट लेट मी टेल यू दिस टिप विल हेल्प यू अ लॉट. प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करो. इवन मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स से हमारे बहुत क्वेश्चन आए थे. थर्ड थिंग, राइट नोट्स. नोट्स वॉज समथिंग मैं स्टार्टिंग से लिखती आ रही थी. सो अगर आपने वो स्टार्टिंग से नोट्स नहीं लिखे हैं आज स्टार्ट हो जाओ क्योंकि थोड़े महीने में एग्जाम्स है, आज स्टार्ट करो. आई यूजली यूज शुभम गुप्ता. अब तो मैं देखती नहीं उसके ब्लॉग्स मतलब वीडियोस. 10th ग्रेड में वो बनाती थी हिस्ट्री के वीडियोस, बहुत प्यारे बनाती थी. उसने जैसे सिखाए हैं बहुत ग्रेट है. इफ यू वांट आई लिंक हर चैनल डाउन. फोर्थ इज रिविजन मेथड. मैं तुम्हें बता रही हूँ ये रिविजन मेथड इज अ लाइफ सेविंग हैक. सो रिविजन मेथड इज अगर तुमने आज कोई चीज पढ़ी उसे कल पढ़ो, उसे दो दिन बाद पढ़ो, एक हफ्ते बाद पढ़ो और एक महीने बाद पढ़ो. सो ये चीज तुम्हें हेल्प करेगी रिवाइज करने में. एक हफ्ते बाद पढ़ो, उसके बाद दो हफ्ते बाद भी पढ़ लो. ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि छोड़ देना है उसे, क्योंकि जैसे ही तुम चीज़ें को छोड़ देते हो, मेरी आदत थी पहले मैं चीज़ें पढ़ती थी छोड़ती थी निकलती थी, बहुत गंदी आदत है ट्रस्ट मी मैं बता रही हूँ. ये थिंग तुम्हें बहुत हेल्प करेगा. मैं टिप्स देने में बहुत अच्छी हूँ, प्रॉब्लम इज मैं खुद पे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं जितना हेल्प कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ. ट्राई दिस, ट्रस्ट मी, ट्राई दिस, जितना हो सके तुमसे करो ये. फिफ्थ इज अंडरलाइन एंड राइट क्लियरली एंड बोल्डली. इसके पहले जिससे पहले भी कंटिन्यू, आई एम सॉरी इसमें मैं बहुत बोलने वाली हूँ, बट लेट मी टेल यू अ स्टोरी. मेरा सेकेंड टर्म का बोर्ड एग्जाम दे के आई हूँ मैं और मैं फुल लाई थी हिस्ट्री. और इसमें SS होता है ना, तुम लोग के CBSE में SS होता है. अभी मैं SSC बोर्ड में हूँ बिकॉज मैंने कॉलेज लिया है. लेट मी टेल यू सम माइंड ब्लोइंग हैक. मैं सेकेंड टर्म का पेपर दे के बाहर निकली, मैंने पेपर लिखा हिस्ट्री का, मैं बाहर आई, मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा ये आंसर सही है, मैप का आंसर था मुझे अभी तक याद है, मैंने उससे पूछा ये आंसर सही है. दैट पर्सन इज लाइक गौरी तू क्या बोल रही है, तू क्या लिख क्या, ये आंसर गलत है, मैप का आंसर था आई स्वेयर. बट लेट मी टेल यू वन टिप दैट आई यूज्ड. मैंने इतने क्लियरली लिखा है, इतने बोल्डली लिखा है, अंडरलाइन किया है और मेरा हैंडराइटिंग वॉज मतलब इतना प्यारा हैंडराइटिंग मेरा जिंदगी में नहीं निकला है. मेरे सारे दोस्त मेरे को पूछते तेरा हैंडराइटिंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तेरे मार्क्स कैसे आए. एंड लेट मी टेल यू जस्ट बिकॉज ऑफ मी अंडरलाइनिंग एंड राइटिंग बोल्डली, पता है पेपर आता है ऐसे, तुम लोग जो ऐसे लिखते हो ना आई थिंक वर्टिकली बोलते हैं ऐसे, आई एम वेरी बैड एट वर्टिकली, आई थिंक या दिस इज वर्टिकली, ऐसे पेपर आता है ऐसे, इट इज दिस ऐसे, बट तुम लोग लिखते हो ऐसे,
लेट मी टेल यू, ऐसे प्रैक्टिस करो लंबा लंबा, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था, ऐसे प्रैक्टिस करो, इतना बोल्डली लिखो, लास्ट में लाइन खींच दो ताकि तुम्हें ज्यादा लंबा नहीं लिखना पड़े, और लंबी लंबी लाइनें खींचो उसके नीचे। स्पेशली SS में ये बहुत काम आता है, इंग्लिश में उतना नहीं आएगा, साइंस में भी थोड़ा बहुत काम आ जाएगा। तुम्हें जो राइटिंग वाले आंसर है इसमें ये करो, डेफिनेशंस में करो, मेन वर्ड्स कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, तुम्हें उससे मार्क्स मिल जाएंगे। आई स्कोर 40 out of 40 इन माय सेकंड टर्म SS पेपर जस्ट थ्रू दिस ट्रिक, एंड इवन दो आई न्यू मेरा एक आंसर गलत था। वर्क ऑन अ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। ओके, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम्हें क्या करना होता है, मैं ऐसे पढ़ती थी एंड ट्रस्ट मी, मैंने बहुत अच्छा स्कोर सिर्फ इसके वजह से किया है। पहले बैठो, मेरे पास एक सैपलिंगी करके ऐप है, प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, सैपलिंगी करके एक ऐप है, वो ऐप खोलो, उसमें 30 minutes का टाइम लगाओ, फोन तुमने हाथ लगाया वो ट्री मर जाएगा। 30 minutes तक तुम फोन नहीं हाथ लगा सकते हो। 30 minutes पढ़ो, अगर तुम्हारा मन लग रहा है तो ठीक है, 45 minutes मैक्स, उससे ऊपर मत पढ़ना। मेरा अटेंशन स्पैन वाज 30 minutes, कुछ लोगों का होता है 20 minutes, मेरे भी मूड पे होता था, कभी कभी 20 minutes पढ़ती थी, कभी कभी 30 minutes। तो जैसे ही मेरा मन करे कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा, नहीं बोर हो रहा है, उठ जाओ, डोंट केयर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं। पेरेंट्स बोलते हैं 2-2 घंटे पढ़ो, नहीं, ट्रस्ट मी मैंने 6 घंटे पढ़े ये मेथड से, और मैंने जो भी पढ़ा है मुझे एक एक चीज याद हुई, इवन तो अभी याद नहीं क्योंकि मैंने रट्टाफिकेशन मारा था, बट तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे इंसान हो, तुम कैसे याद करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। स्टडी व्हेन यू आर कंफर्टेबल, काफी लोग बोलते हैं कि मैं सुबह में पढ़ना बहुत कंफर्टेबल लगता है, पर्सनली आई एम अ नाइट आउल, मैं रात को पढ़ना बहुत प्रेफर करती हूँ। आई लव 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 डूइंग थिंग्स एट नाइट, टेकिंग अ शावर एट नाइट, टेकिंग अ वॉक एट नाइट, स्टडिंग एट नाइट, सब मुझे रात को पसंद है। इवन ये वीडियोस की एडिटिंग मैं रात को करती हूँ, इन फैक्ट ये वीडियो रात के 12 बजे बन रहा है, तो यू नो हाउ मच आई लव द नाइट। मैं रात को पढ़ती हूँ और मैं जो पढ़ती हूँ मेरे को याद रहता है। लोग बोलते हैं सुबह उठ के पढ़ो, क्रैप, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जब कंफर्टेबल लगे तब पढ़ो, और ये चीज बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। ओके, एंड मोमेंट जब तुम पढ़ रहे हो नई चीजें मत पढ़ो, कभी मत पढ़ो। तो मैं एंड मोमेंट जो तुम नई चीजें पढ़ोगे ना, ये मेरे को बहुत बाद में रियलाइज हुआ, जब मैंने मेरा पहला पेपर दिया और मैंने जो एंड मोमेंट पढ़ा था मैं वो भी भूल गई, और जो पहले का पढ़ा था वो भी भूल गई। एंड मोमेंट चीजें मत पढ़ा करो, ये मेरे 10th का पेपर नहीं है, पहले का पेपर की बात है। एंड मोमेंट नई चीजें मत पढ़ो, ट्रस्ट मी यू विल लूज मार्क्स। सिर्फ जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करते रहो, जितना कर सकते हो, जितना अच्छे से रट्टा कर सकते हो मार दो रट्टा मार दो रट्टा। ये बात मैंने आई थिंक पहले भी बोली है, स्टडी ओनली द मेन पॉइंट्स, स्पेशली हिस्ट्री में ये बहुत काम आता है, मेन पॉइंट्स पढ़ो। सॉल्ट मार्च है, इतने लोग गए थे, इतने दिन तक चला था, इस दिन पे स्टार्ट हुआ था और इस दिन पे एंड हुआ था, और मेन इवेंट्स क्या थे, उसको इतना खींचो कि टीचर शॉक हो जाए, तुम्हें पता है, ट्रस्ट मी ये चीज बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मेरे को बहुत इनवैलिड लगता था जब मेरे को दूसरे ऐसे जब मैंने वीडियोस देखे थे तब मुझे ये पॉइंट बहुत इनवैलिड लग रहा था, लेकिन लेट मी टेल यू ये पॉइंट बहुत वैलिड है। कीप रिवाइजिंग फ्रॉम NCERT, सिर्फ उसको ऐसे रट्टा मार दो जैसे तुम्हारे बैक ऑफ द हैंड पे ये सब बातें याद हो तुम्हें, तुम्हें कोई नींद से उठा के पूछे तुम्हें पता हो इसका आंसर क्या है। NCERT को ऐसे रट्टा मारो, सबसे ज्यादा हेल्पफुल क्या होता है, NCERT। ओके गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करो क्या पसंद आया आपको, आपको क्या लगता है कि और चीजें कर सकते हैं। मैं एक पिंड कमेंट डाल दूंगी, वो पिंड कमेंट पर रिप्लाई करो कि आपको क्या लगता है बेस्ट टिप्स है, तो जितने भी 10th graders है वहां पे उनको हेल्प हो सके, बिकॉज ट्रस्ट मी व्हेन मैं 10th में थी किसी ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया था जिसमें नीचे से टिप्स हो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू डिड लाइक इट लाइक सब्सक्राइब कमेंट प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट्स। आई लव यू गाइस सो मच, बाय।